सो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये वॉलपेपर लगा हुआ है, कोई नॉर्मल वॉलपेपर नहीं लगा हुआ है, बहुत ही अमेजिंग वॉलपेपर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ पानी वगैरह नहीं दिख रहा है, बट हम इसमें उंगली रखते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इफेक्ट आता है, पानी झलकने लगता है। कितना अमेजिंग तरीके से लगता है, आप इस पर उंगली फेरते हैं तो यार कितना अमेजिंग लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितना बहुत ही मजेदार लगता है। तो यार आप भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लगा सकते हैं। और फ्रेंड या आपका फैमिली मेंबर जब आपका फोन लेता है और आप वो देख लेता है तो यार वो तो खुश हो जाएगा, बहुत ही अमेजिंग तरीके से यार वो तो चौंक जाएगा, यार इतना सुंदर वॉलपेपर तूने लगाया कहाँ से है, और यार मुझे भी लगाना है, मैं कैसे लगा सकते हैं, वो आपसे पूछने लगेगा। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा कि आप इस अमेजिंग वॉलपेपर को कैसे लगा सकते हैं और अपने दोस्तों को कैसे चौंका सकते हैं इस वॉलपेपर को लगाने के बाद। तो आज की वीडियो में आपको यही फुल जानकारी देने वाला हूँ कि आप इस वॉलपेपर को अपने वॉल पर कैसे सेट कर सकते हैं, अमेजिंग वॉलपेपर को कैसे सेट कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर डायरेक्ट आप वहाँ पर प्ले स्टोर में जाकर भी इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम आप देख लीजिए, इस एप्लीकेशन का नाम है फिस लॉक स्क्रीन लाइव वॉलपेपर। तो आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का नाम है फिस लॉक स्क्रीन लाइव वॉलपेपर। तो आप यहाँ से प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने दे दिया है, आप जाकर वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसको ओपन करना है। आपको इसको ओपन करने के बाद फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर दिख जाएंगे, जो कि बहुत अमेजिंग वॉलपेपर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप यहाँ से कोई भी जो भी आपको सेट करना अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी वॉलपेपर सेट करना चाहो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको उसको सेट कैसे करना है। सेट करने के लिए आपको सिंपल से जो भी आपको वॉलपेपर सेट करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इस वॉलपेपर को सेट करके बता देता हूँ। तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे नीचे की साइड में, सेटिंग एंड अप्लाई। तो आपको फर्स्ट नंबर पर जो दिख रहा है सेटिंग, तो आपको इस पर जाना नहीं है। आपको सेकंड नंबर पर जो दिख रहा है अप्लाई, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पर लिख कर सेट टू डेस्कटॉप एंड सेट टू लॉक स्क्रीन एंड डेस्कटॉप। तो फर्स्ट नंबर पर आपको सेट टू डेस्कटॉप पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा वॉलपेपर यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो आप बैक आकर देख लेते हैं कि हमारा वॉलपेपर सेट हुआ है नहीं हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा वॉलपेपर यहाँ पर चेंज हो चुका है, देखिए कितना अमेजिंग तरीके से वॉलपेपर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पर कमेंट कर दें अच्छा सा, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।